अभी तो सब बस शायद आई है। नहीं बस तो आ गई। आ गई सब आ रहे हैं धीरे धीरे। गाड़ी वाले आ रहे हैं। और गाड़ी वाले आ रहे हैं। राम और जोर कर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। बोले श्री ललिता सखी की, बोले उच्चा गांव की। हाँ ये स्थान का नाम है उच्चा गांव। अब देखना अब जब चढ़ कर के ऊपर आए ना देख रहे गांव भी उच्चा स्थान पर है इसलिए ये गांव का नाम भी उच्चा गांव। और दूसरा कारण है जो ललिता सखी जो कृष्ण की आठ जो सखियां हैं ये सर्वप्रथम सखिया कौन है ललिता, उसके बाद में विशाखा चंपक लता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी और सुदेवी। ये राधा रानी की ये आठ सखियां हैं। ये सखी रूप में क्यों प्रकट हुई है, कारण क्या है। जैसे उदाहरण दिया है जैसे एक तमाल वृक्ष है देखने में सुंदर है लेकिन अगर उसमें एक लता चढ़ जाए ना उसमें और भी सुंदरता आ जाती है। कहते लता स्वरूपिणी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। लता अगर उसमें पत्ता आ जाए देखना और भी सुंदर हो जाएगा। कहते ये पत्ता स्वरूप कौन है, बोले ये पत्ता स्वरूप जितने सखियां हैं ये सब के सब ये पत्ते स्वरूप है। कहते अगर उसमें कोई फूल खिल जाए मंजरी आ जाए उसमें और भी सुंदरता लग जाती है। इसलिए मानो कृष्ण ने ही अनंत अनंत रूप में अपना सेवा के लिए ये अनंत अनंत रूप उन्होंने धारण किया है। इसलिए जो सखियां तरह तरह से कृष्ण को मिलन कराती हैं, राधा कृष्ण की सेवा में। कहते बहु सखी बिना रहे रसरे उल्लास। आनंद कब होगा जब बहु सखियों को साथ में भगवान कृष्ण लीला विलास करते हैं। इसलिए कहते जो ललिता सखी इनका नाम ललिता। ललिता मतलब क्या, लालित्य वा सुंदरता है। ये ललिता सखी कहते राधा कृष्ण की क्या सेवा करती है, उनको निकुंज सेवा में बोले तांबुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदने चामरे चंपक लता तुंग विद्या तो नर्तने सुदेवी चल सेवायम रागे श्री रंग देवी के। ये सबके सब सखियां अलग अलग सेवा करती हैं कृष्ण को। बोले ललिता सखी क्या करती हैं, बड़ी सुंदर पान की पिड़िया बनाती हैं, बड़ी सुंदर मसाला दे करके ना उन्होंने कृष्ण को और श्री राधा रानी को खिलाती हैं। खाने पर क्या होता है जो मुंह में होठ में ये लाल रंग आ जाता है इसलिए तांबुलम भक्त ललिताम। और कहते जो ललिता है कहते इनका पिताजी का नाम क्या, बोले विशोक है और उनका माँ का नाम शारदा। अभी आप आगे श्रवण कर रहे थे अगर पिताजी का अगर गुण अगर उसमें गुण में अगर बेटी आए ना वो बेटी को सौभाग्यवान मानी जाती है। अगर माँ की गुण में अगर बेटा आए कहते वो बेटे को सौभाग्यवान मानी जाती है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए ललिता सखी इनके पिताजी जो विशोक है कहते इनके अंदर में विशेष गुण किया है, बोले ये बड़े दयालु बड़ी कृपालु। इसलिए ये ललिता सखी भी बड़ी दयालु है, ये बड़ी कृपालु है। बोले क्या कृपालु है, अगर ब्रज में कोई अगर गोपी जन्म ले बा कोई सी व्यक्ति का अंदर में अगर इतनी सी भावना आ जाए, बोले क्या भावना, हम श्री राधा रानी की दासी बनना चाहते हैं, है अगर इतना अगर किसके अंदर में भावना आ जाए तो बोले जो ललिता सखी क्या करती है, ललिता सखी बड़ी जल्दी से जल्दी उनको सारी इच्छाओं को ये पूरी कर देती है। ये ललिता सखी पूरी कर देती है। आप लोगों को पता होगा एक रुचि परीक्षा जानते हो, जब बच्चा घुटन पर चलना सीखता है उनको सामने अलग अलग सामान रख देते हैं अलग अलग चीज को। वो बच्चा घुटन पर चलते चलते जो चीज को स्पर्श करता है उससे पता चलता है इसका भविष्य ये है। अगर कोई ब्रज में कोई लड़की जन्म हो, ब्रज में जो लड़की जन्म होती है बोले कृष्ण का समय पर जो लड़कियां है ना ये साधारण कोई लड़की नहीं, ये करोड़ों करोड़ जन्म का पुण्य का फल से जिन लोगों ने गोपी भाव से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं जोग माया उनको ब्रज में गोपी गृह में जन्म देती है, हैं कोई चंद्रावली की पक्ष में कोई राधा रानी की पक्ष में। इतने में ललिता सखी क्या करती, जब उनका रुचि परीक्षा होती है ना राधा रानी की कोई एक पोशाक लेकर के वहां पर रख देती है। अब देखना बच्चे चलते चलते अगर सोना चांदी को स्पर्श कर तो लगता है भविष्य तो बड़ा धनी व्यक्ति होगा।
अगर किसी अस्त्र शस्त्र को पकड़े तो ये बड़े धनुर्धारी होगा है, अगर कुछ ग्रंथ को अगर पकड़े समझो बड़े विद्वान बनने वाले, ये बच्चा बड़ा विद्वान। अगर कोई सखी अगर घुटन पर चलते चलते राधा जी की वस्त्र को पकड़ लेना, ललिता को पता चलता है ये भविष्य में राधा रानी की दासी बनने वाले, राधा रानी की ये गण बन, इसलिए ललिता की विशेष दृष्टि उसको ऊपर में रहती है। इसलिए ये ललिता सखी ऐसे है, कहते राधा रानी की शिक्षा गुरु, राधा रानी को प्रेम की शिक्षा देती है। बोले देखो राधे, मानिन होकर बैठ रहना, कृष्ण भले ही जितने मनाने के लिए चाहे लेकिन किसी तरह से मान को नहीं उतरना, अगर तेरी मान उतर जाए ना कृष्ण तुम्हें छोड़ करके और किसी गोपी को पास में चले जाएंगे, ऐसे ललिता शिक्षा देती थी। ललिता क्या करती थी, जो कांटा कीचड़ों के ऊपर में कांटा बिछवा देती थी, राधा रानी का आंखों में काला पट्टी बांध देती थी, बोले इसके ऊपर चलना सीखो, क्योंकि जब रात में कृष्ण को साथ में चल तुम मिलने के लिए जाओगे कैसे जाओगे, इसको पर ललिता क्या राधा रानी को ये प्रेम की शिक्षा देती है। और ललिता सखी राधा रानी की जब ले जाती है ना कृष्ण से मिलाने के लिए, अगर अंधकार अमावस्या रात्रि हो, बोले देखो राधे खिलखिला कर हंसना नहीं, क्योंकि राधा रानी के दांत में इतने प्रकाश है, जब वो खिलखिला कर हंसती है ना रात में भी दिन हो जाता है, राधा जी के दांत में इतने प्रकाश है। ये ललिता सखी कहते ललिता सखी क्या कौन सा बाजा बजा के, बोले बीणा बजाती है, बड़ी सुंदर बीणा की बाजा बजाती है। ललिता सखी की जो कपड़े हैं, एक एक व्यक्ति का रुचि होता है ना, हमें ये कपड़ा अच्छा लगता है ये कपड़ा, सभी का एक एक अलग अलग रुचि है। ललिता सखी कौन सा कपड़ा पहनती है, बोले जिस कपड़े ऊपर मयूर पूछ हो, मयूर का पंख जैसे है ऐसे कपड़े को राधा रानी धारण, ये ललिता धारण करती। बोले क्यों धारण करती है ये, इसको क्यों धारण करती, बोले कारण है कृष्ण के सर के ऊपर देखना मयूर पंख है, देखा हो कि नहीं, कृष्ण ये मयूर पंख धारण क्यों करते हैं, क्योंकि ये मयूर पंख में राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं मयूर पंख। मानो जो ललिता सखी राधा रानी के नाम को द्वारा ही अपना शरीर को ये ढक कर रखती है, कौन ये श्री ललिता सखी। कहती जो ललिता सखी कहती ये कौन सेवा करती है, कहती ये बड़ी सुंदर फूलों की बड़े सुंदर सज्जा सजाती है, फूल की बड़े सुंदर उन्होंने छतरी सजाने में बड़े एक्सपर्ट श्री ललिता देवी, बड़े एक्सपर्ट ये ललिता देवी। इसलिए ये ललिता देवी अब देखना कोई भी हम लोग भजन गाते हैं ना, ललिता विशाखा दी जता सखी वृंद आज्ञा करीब सेवा चरणारविंद, अगर कोई राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं ना, ये मत समझो डायरेक्ट हम राधा कृष्ण के पास में पहुंच जाएंगे, नहीं, पहले अपना गुरु जी के चरण में हमें शरण लेना पड़ेगा। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो ना तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी गुरु जी हमें लेकर कहाँ ले जाएंगे, उनकी गुरु जी के पास में पहुंचाएंगे, उनको गुरु जी क्या करेंगे, उनको गुरु जी के पास में, ऐसे करते करते श्री रूप मंजरी को पास में, फिर ये रूप मंजरी लेकर के ललिता पास में पहुंचाएगी, फिर ये ललिता हमें क्या करेगी जुगल सेवा में राधा कृष्ण के सेवा में हमें यही लगाएगी। अगर कोई सोचे भैया गुरुजी गुरुजी कोई जरूरत नहीं, हम तो राधा कृष्ण को डायरेक्ट सेवा करेंगे, बोले नहीं आप डायरेक्ट ठाकुर जी के पास हो गई जा ही नहीं सकते हो, अगर जाओगे तो ये ललिता अगर सखी हमें राधा कृष्ण के पास में ले जाए तो फिर तो उनकी सेवा में हमारी अधिकार हो सकती है। इसलिए ये जो गांव का नाम है कौन सा गाँव है, ऊंचा गाँव, कारण है जैसे ललिता सर्वश्रेष्ठ सखी उनका गांव भी ऊंचा गांव। इसको नीचे एक कुंड है जिसका नाम देह कुंड, क्या नाम है देह कुंड, नाम क्यों पड़ा, बोले एक समय ब्रज में कोई एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण के घर में एक बेटी थी, अब ये बेटी शादी के लायक ही हो गई, लायक ही हो गई तो उन्होंने कृष्ण को भजन की, जब कृष्ण दर्शन दिए बोले क्या चाहते हो, बोले मेरे घर में एक बेटी है ये बेटी को शादी देना है, बेटी को शादी देना, बोले देखो तुम ब्राह्मण देवता ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ वस्तु देनी चाहिए और मेरे जो सर्वश्रेष्ठ है ना श्रीमती राधा रानी, इसलिए मैं अपना राधा रानी को तुम्हें देता हूँ, लेकिन ब्राह्मण है इसलिए उन्होंने राधा रानी कौन है, कहते राधा रानी ये सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधा रानी,
लेकिन कृष्ण जब उन्होंने राधा रानी को दिया ना, बोले एक बेटी को तो मैं शादी नहीं दे पा रहा हूँ और तुम फिर दूसरे बेटी शादी, मैं बेटी दान कर दिया, अभी दो दो बेटी को हम शादी कैसे कराए, दो दो बेटी को कैसे। किंतु समझा नहीं राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी, राधा रानी आ गए तो सारी लक्ष्मी तो आ गई ना, लेकिन राधा रानी की महिमा नहीं समझी। बोले देखो एक काम करो, ये राधा रानी को ठीक है, ये राधा रानी को अभी मैंने राधा रानी को दे दिया, अभी तुम राधा रानी को दे दो। बोले कैसे, बोले राधा रानी की भोजन की हिसाब से सोना दान दे करके राधा रानी को मेरे को दे दो। फिर वहां पर हम लोग अभी गहोर वर्ण परिक्रमा कर रहे थे ना, अभी पूरा गहोर वर्ण परिक्रमा किया कि नहीं आप लोगों ने, अभी राधा रानी को पीछे जो वन देख रहे आए उसका नाम था गहोर वन, वहां पर इतने लीला की है, एक का नाम दानगढ़, ऊपर मानगढ़, ऊपर बिलासगढ़ है, वहां पर बहुत सारे लीला राधा कृष्ण की वहां पर हुई है। वहां पर देखा होगा कि झूला है, झूला नहीं एक तराजू जैसे नापते है ना तराजू, देखना हुआ देखे होंगे जो ऊपर में गए थे, कहते वहीं पर ही कहते राधा रानी को एक तराजू का एक तरफ में राधा रानी को रखे और दूसरे तरफ में उनकी भोजन का सोने रखे कृष्ण रख करके उन्होंने ब्राह्मण को दान दिया। इसलिए ये जो कुंड है ना अभी नीचे जाएंगे इसका नाम देव कुंड है, कहते यहाँ पर आकर के लोग सोना चांदी की यहाँ पर ब्राह्मण को ब्रजवासियों को दान देते है, इसलिए ये कुंड का नाम देह कुंड है। ये मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किए होंगे कि पत्थर के ऊपर में देखना नेचुरल रूप में राधा कृष्ण के स्वरूप देखे कि नहीं, कौन कौन देखे हाथ उठाओ, कौन कौन देखे देना वो पत्थर के ऊपर में नेचुरल रूप में ये मंदिर में। पहले ये तो यहाँ पर था, चोरी हो जाएगा इसी भय से उन्होंने अंदर में रख दिया, इसलिए नेचुरल रूप में पत्थर के ऊपर में राधा कृष्ण का रूप। आप लोग वहां पर भी एक शिला देखे होंगे नेचुरल रूप में, उसमें राधा रानी की जो हार पहनते ना नेचुरल रूप में यहाँ पर। अभी इसको बाद में हम देह कुंड में आचमन लेंगे, आचमन करके ये थोड़ी दूर पास में जाएंगे जहाँ पर ललिता सखी की विवाह स्थान है। एक समय राधा रानी अपना सखियों को साथ में आए, कृष्ण सखाओं को साथ में आए, एक पत्थर था वो पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, पत्थर के ऊपर जब बैठे हुए थे इतने में माता कहा जा रहे हो कथा सुनकर जाना, तुम लोग बुद्धि ही नहीं, बाद में दर्शन कर लेना। इसलिए उन्होंने क्या कि पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, जब बैठे हुए थे कृष्ण और ललिता पास पास से बैठे हुए थे, इतने में सखियों ने इशारा इशारा किया, इशारा करते हुए बोले एक काम करो, कृष्ण ललिता एक जगह पर बैठे हुए, कृष्ण का जो चादर है ना और राधा रानी का जो चुंदरी, जैसे शादी होता है ना जैसे पति पत्नी का जैसे उनकी चादर को साथ में स्त्री की चुंदरी को बांध देते हैं, बोले पीछे से ललिता की और चुंदरी और कृष्ण का जो कपड़ा चादर है ना अच्छे तरह से गांठ लगा दो बांध दो। इतने में पीछे से किया गोपियों ने कृप बांध दिया, बांध करके अभी कृष्ण ललिता को पता नहीं, और इन लोगों ने किया क्या जो शादी में होता है ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो लगा दो मुझे ऐसी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। अभी उन लोगों ने आपस में शादी का कीर्तन शुरू कर दिया। अभी कृष्ण देख रहे हैं ललिता, अगर सब लोग बैठे हुए अगर एक व्यक्ति को देख करके सब बोले बोले भैया क्या बात क्यों ये शादी की कीर्तन की हो रही है। इतने में कृष्ण को ललिता को भैया दाल में कुछ काल है ये शादी का कीर्तन क्यों कर रहे हैं। इतने में ललिता सखी ना उठ करके भागने के लिए कोशिश की, लेकिन भागेगी कहाँ, राधा रानी की चुंदरी को साथ में कृष्ण की कपड़ा बंधा हुआ, लेकिन भागेगी क्या, वो तो कपड़ा बंधा हुआ जाएगी क्या, वो जा नहीं पा रही है। इसलिए अभी भी वहां पर जा करके देखोगे जैसे शादी का समय में प्यार में मेहंदी लगाती है ना आलता लगाते हैं, अब वहां पर अभी जाकर अच्छे तरह से देखना वो चट्टान सा है, अब वो चट्टान के ऊपर में लोग आकर जो आलता होता है ना उसमें डालते हैं मेहंदी डालते हैं, अब जाकर के थोड़ा पानी लेकर जाना और उसको घिस अच्छे तरह से पानी देकर घिसना, अब देखोगे प्यार में मेहंदी आलता लगाने पर जो चिन्ह है पूरा के पूरा कृष्ण ललिता की चरण का छाप एकदम लाल रंग रूप में, अब जितना घिसोगे देखना उतना चमक का पत्थर उतना ही मेहंदी का रंग उतना आएगा। जाकर के जरूर हम लोग अभी जाएंगे वहां पर जाकर के दर्शन करेंगे। इसलिए उसको पर्वत ऊपर में छापान कटोरा, कटोरा समझती हो,
कटोरा, कटोरा क्या बोलते हो, कटोरी होता है। जैसे कृष्ण जब यहाँ पर गोचारण करने के लिए आते थे, वो पहाड़ के ऊपर जाते थे और सखाओं के साथ में, जैसे हम जाकर वनभोजन करते हैं, कृष्ण सखाओं के साथ में वहीं पर कटोरा में बस बढ़िया बढ़िया दाल बाटी चूरमा ला करके, सब्जी ला करके वहीं पर बड़े सुंदर सुंदर भोजन अभी भी उसको ऊपर में छापान कटोरा अभी भी उसको ऊपर में। और एक शिला ऊपर देखोगे है, शिला उसको ऊपर में जैसे तारा तारा जैसे होता है ना, तारा तारा जैसे होता है उसका, ऐसे जब दिन में जब उसमें ये पड़ता है, लाइट पड़ता है, अपनी आप चमकती है उसमें, वो अपनी आप चमकती है उसके ऊपर में। ऐसे ही वहां पर जो कृष्ण लीला ये आसपास में, और यहाँ पर नीचे श्री बलदेव प्रभु का, यहाँ पर श्री बलदेव प्रभु का क्या है, मंदिर है, यहाँ पर बलदाव भैया का मंदिर है, और आसपास में तो बहुत बहुत सारे लीला आसपास में है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान गुरु वैष्णव की कृपा से यहाँ पर इतना सारे लीला स्थलियों को आप लोग दर्शन कर रहे हो, आज आप लोग बड़े सौभाग्यवान। कल हम जहाँ पर जाएंगे, हाँ सुन लो, कल जहाँ पर जाएंगे ना उसका नाम है काम्य वन। क्या वन है? काम्य वन, काम्य मतलब सुंदर, बा कामना वासना। वहाँ कामेश्वर महादेव भी दर्शन करेंगे वहां पर, हाँ वहां पर जिस रूप में वहां पर जब जाओगे, वो जो कुछ कामना शंकर जी को प्रार्थना करते हैं, शंकर जी सारे कामना वासना को पूरी कर देते हैं। लेकिन हम केवल एक ही कामना करेंगे, शंकर जी वैष्णव नाम जथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, उनकी कृपा से हमारी भगवत भक्ति रूपी कामना को प्रार्थना करना। कल जब हम जाएंगे, हाँ बहुत अच्छी चीज देखोगे वहां पर, कृष्ण जब सखाओं के साथ में वहीं पर लीला करते करते आए, वहीं पर एक पत्थर के ऊपर बैठ करके भोजन किया था। अभी भी देखेंगे भोजन थाली, उसका नाम क्या कहते हैं, भोजन थाली। नेचुरल रूप में देखोगे जैसे प्लेट थाली में हम खाते हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर थाली बना हुआ। नियम है कल अब जब जाओगे, अब कुछ ना कुछ, कोई फल हो, कोई मिठाई हो, नहीं कोई बिस्कुट, कुछ ना कुछ ले करके चलना, क्योंकि गुरुदेव कहते थे वहां पर भोजन करने का बड़ा महत्व। जैसे कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भोजन करते थे ना, हम लोग आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ले चलना, वहीं पर ठाकुर जैसे भोजन किए थे उसको ऊपर रख करके हम भोग लगाते हैं, और कृष्ण जैसे ग्वाल बालों के साथ में बैठ करके भोजन किया था, हम भी ऐसे ही कल वहां पर भी वन भोजन करेंगे वहीं पर, ठीक है, कल भोजन। और एक बढ़िया जगह देखोगे, जैसे बचपन में आप लोग कुछ क्या फिसलनी पहाड़ बोलते ना, क्या बोलते उसको, फिसल पट्टी, स्लाइड, वहां पर कल जाओगे हैं, सबसे बढ़िया आनंद वही पर आता है। जितने बड़े बूढ़े ना सब बच्चे हो जाते हैं, जैसे बचपन में बच्चे लोग खेलते ना, वहां पर कृष्ण जिसको ऊपर में सखाओं के साथ में जहां पर वो स्लीप करते थे, हम भी वहां पर बैठ करके हम भी वहां पर फिसलेंगे, वहां पर जाकर के जितने बड़े बड़े सब बच्चे हो जाते हैं, और बड़ा आनंद आता है वहां पर जाकर के, सब नेचुरल चीज देखोगे। उसको बाद में हम जाएंगे कृष्ण जैसे प्यार को ऐसे करके, हाँ जैसे कृष्ण खड़े होकर बंसी बजाई थी, अभी भी देखोगे चरण का छाप पूरा ऐसे ही, कृष्ण के चरण का चिन्ह वहां पर भी, कृष्ण का चरण का छाप भी दर्शन कर गए वहां पर। इसलिए कल बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पर हम जाएंगे, हाँ कल थोड़ा जल्दी निकलेंगे जितने जल्दी निकल सकते हो, लेकिन वहां पर तो जब हम गुरु जी को साथ में जाते थे 3 दिन रुकते थे वहीं पर, और यहाँ पर जो आए ना, यहाँ पर तो गुरु जी को साथ हम 4 दिन रुकते थे, 4 दिन वहां पर, 3 दिन नंदगांव में, 3-4 दिन तभी वहीं पर रह करके हम चल चल करके सारे लीला स्थलियों को चल चल करके जा करके हम दर्शन करते थे। लेकिन आप लोग तो कल वृंदा देवी भी जाएंगे, मदन गोविंद देव भी जाएंगे हैं, वहां पर जाएंगे, विमला कुंड जाएंगे जहाँ पृथ्वी का सारे तीर्थ जिस कुंड में, हाँ कल कल, हाँ कल सबसे बढ़िया जगह जाओगे, जो एक जगह पर जाने पर पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वहां पर दर्शन होगा। कौन सा? 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, जोर से ताली बजाओ, लक्ष्मण झूला, और देव सरोवर, वहां पर देवता लोग अभी भी देवता लोग यहाँ कर आ करके रात को जहाँ पर देवता लोग आते हैं वहां पर सभा होती है, देव सरोवर है, और वहां पर जो बद्रीनाथ भी दर्शन करेंगे, लेकिन बद्रीनाथ थोड़ा चढ़ाई है, जो थोड़ा हाँ केदारनाथ, केदारनाथ चढ़ाई थोड़ी सी, इसलिए
जो जो यंग उनके लिए एकदम जो सब लोग चढ़ सकते हो, लेकिन बहुत जो वृद्ध हो गए उनके लिए भी 2 लाख का सिस्टम भी है। और वहां पर देखोगे ना नेचुरल रूप में शंकर कैसे प्रकट हुए, और एक गुफा के अंदर में ऐसे चल करके नहीं जा सकते हो, आपको जैसे घुटन पर चलते हैं ना, ऐसे घुटन पर चलते चलते पहाड़ के अंदर में घुसना पड़ेगा आपको, तभी वो शंकर जी को दर्शन कर सकते हो। एकदम नेचुरल नेचुरल पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है ना, पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है आपको वहीं पर मिलेगा, सारी चीज एक एक कर देखोगे। लेकिन अब पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। कितने हैं? 6 अरब। कितना? 600 करोड़। लेकिन सुंदर गोपाल प्रभु आपको आसानी से सब दर्शन करा लेंगे एक दिन में, पूरा के पूरा देखोगे सारे तीर्थ। इनके लिए ताली बजाओ जोर से। महाराज जी ने कल दर्शन के जितने भी नाम लिए ना, वो महाराज जी ने 2 साल के एक साथ ले लिए, दो परिक्रमा के। हाँ, वो जो 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 परिक्रमा आधे कल हो पाएंगे, आधे अगले साल जो होंगे। इसलिए इसलिए हम जो जो जगह दर्शन कर रहे हैं ना गुरु जी को साथ में, हम तो 8-10 दिन में दर्शन करते थे, वहीं पर रह रह कर जा जा करके दर्शन। वहां पर जब देखो वहां पर बढ़िया चीज है, जैसे भगवान राम जैसे लंका विजय करेंगे है, जैसे रामेश्वर को स्थापन किया, वो रामेश्वर वहां पर है, वहां पर है अशोक वन वहां पर है, और भगवान जैसे सेतु बंध ऊपर चल कर गए ना, रामेश्वर सेतु बंध भी वहां पर है। बहुत सारे स्थान है, वहां दर्शन करोगे बहुत सारे स्थान है। ये ब्रजमंडल जो परिक्रमा कर लिया ना, पृथ्वी का सारे तीर्थ तुम्हारी हो गई, पृथ्वी का सारे तीर्थ, कहीं जाने का जरूरत नहीं। जो ये ब्रजधाम परिक्रमा, इतने महिमा ब्रजधाम की, इसलिए कल हम लोग वह स्थान पर जाएंगे। प्रेम सरोवर ने ये देह कुंड है और ललिता का चरण पहाड़ी है, अलता पहाड़ी है। दाऊ जी यहाँ पर देखो, इधर जा करके इधर उठते उठते सब बड़े बूढ़े है, मुझे लगता है ये दो छूट जाएगा, यहीं से प्रणाम कर ले। नहीं वहाँ पर आता है, लिए जो लेना चाहिए।